हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा। हर बार डाइट के बारे में बात करते हैं, ऑयल के बारे में बात करते हैं, पैक के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ड्रिंक के बारे में बताएंगे जिसे यूज़ कर कर ना आप अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपने लीवर को, अपनी पूरी इंटरनल बॉडी को और दूसरा बच्चों की बढ़ती उम्र के लिए बहुत ही अच्छा है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो आज हम जो ड्रिंक बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा है हर तरीके से, बालों के लिए, स्किन के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हमारी जो इंटरनल शुरू होती हैं, जैसे कि बहुत लोगों का लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत पाचन क्रिया बहुत ख़राब होती है, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्किन पर और बालों पर असर करती हैं। तो जो आज मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ, डेली अगर आप उसे रूटीन में हफ्ते में 2 या 3 बार पी लेंगे ना, तो आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके अंदर से ही आपको स्ट्रांग बनाएगा, जिससे बालों की जड़ें और आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी। बहुत ही अच्छी वीडियो जो आज मैं आपको बता रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस ड्रिंक को बनाना, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं ड्रिंक बनाना। और आज मैं आपको जो ताकत का खजाना बता रही हूँ, बालों के लिए बहुत अच्छा है ये, कलर फेयर करने के लिए बहुत अच्छा है और ताकत के लिए तो बहुत ही अच्छा रामबाण नुस्खा है। तो आज की जो वीडियो है उसके लिए हमें चाहिए बनाना। बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आयरन का स्रोत होता है, ये बालों के लिए, स्किन के लिए, ताकत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे आज हम एक ऐसा लिक्विड बनाएंगे, ऐसा एक शेक बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हर किसी को कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर पीना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है वो हम आगे बताएंगे। जैसे कि केले में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से केले को अच्छे से मिक्सी में फेंट लेंगे। आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें चाहे तो चीनी भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप इसे, क्योंकि केला तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो आपको इस तरीके से केले को बहुत बारीक मिक्सी में फेंट लेना है। उसके बाद ये है दूध, इसमें आपको दूध मिलाना है। ये आपकी इच्छा अनुसार है, आपको दूध इसमें पसंद है या नहीं है, वैसे तो आप इसे नॉर्मल भी बहुत लोग ऐसे ही पीते हैं, लेकिन दूध मिलाने से क्या होता है, ये बच्चों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे पीकर आप अपने जो बॉडी है उसमें आयरन की कमी को ना बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। ये अगर आपने एक हफ्ते तक लगातार पी लिया तो अगर आपका हीमोग्लोबिन 4 है ना तो वो 10 हो जाएगा, क्योंकि इससे इतनी जल्दी रिकवरी होती है बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा जल्दी, बहुत ही जल्दी डबल आपका कर देगा ये हीमोग्लोबिन। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक तरीका है अपने ब्लड को बढ़ाने का, अपनी ताकत को दोबारा बढ़ाने का, जिससे कि बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है जिन लोगों को, वो इस तरीके से अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना वाला है, बहुत ही ज़्यादा ताकत वाला है। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा मिल्क मिला लेंगे। और ये देखिए, मिल्क मिलाने के बाद हमारा जो बनाना शेक था वो तैयार है। ये एक बनाना शेक जरूर बोलते हैं इसे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना, बहुत ही ज़्यादा ताकत वाला है। आप इसे इस तरीके से बच्चों को पीजिए, बच्चों को पिलाइए, आप खुद भी पीजिए, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ताकतवर है। तो चलिए इसे आप बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, इसको पीकर देखिएगा आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा, 7 दिन में आपको कितना फ़र्क लगता है, उसके बाद आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।